नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। 3 महीने पहले बांग्लादेश की रहने वाली सोनिया अख्तर अपने 1 साल के बच्चे को लेकर नोएडा पहुंची थी और सोनिया अख्तर इसीलिए भारत आई क्योंकि उसे अपना पति हासिल करना था और अपने बच्चे का पिता, लेकिन वो पिता उस बच्चे को धोखा देकर भारत भाग आया, फिर जिसके लिए सोनिया ने कानूनी लड़ाई लड़ी और आज सोनिया अख्तर को दिल्ली की 30,000 कोर्ट से राहत मिल गई है। 30,000 फैमिली कोर्ट ने सौरभ कांत तिवारी को 1 हफ्ते के अंदर सोनिया को साथ रखने का आदेश जारी कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में एक महिला अपने पति को हासिल करने के लिए बांग्लादेश से हिंदुस्तान आ गई थी और उसने पति को हासिल करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और अब इस महिला सोनिया अख्तर को दिल्ली की 30,000 कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है, जहां 30,000 फैमिली कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए सौरभ कांत तिवारी को 1 हफ्ते के अंदर सोनिया को साथ रखने का आदेश दे दिया है। साथ ही कोर्ट ने दस्ती आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की सोनिया अख्तर ने नोएडा के सौरभ कांत तिवारी को अपना पति बताते हुए कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे। सोनिया अख्तर ने आरोप लगाया था कि नोएडा के रहने वाले सौरभ कांत तिवारी ने बांग्लादेश में आकर धर्म परिवर्तन कर उससे शादी की थी, फिर उसे छोड़कर वापस भारत लौट आए थे। सोनिया अख्तर ने ये भी आरोप लगाए थे कि सौरभ कांत तिवारी पहले से शादीशुदा थे। वहीं अपने पति को वापस पाने के लिए करीब 3 महीने पहले सोनिया अख्तर भारत आ गई। अपने 1 साल के बेटे को उसका पिता दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई की शुरुआत कर दी। नोएडा के सौरभ कांत तिवारी ने बांग्लादेश में 3 साल पहले सोनिया अख्तर से शादी की थी, वहीं अब वो नोएडा में पति के साथ रहना चाहती है। सौरभ कांत तिवारी ने सोनिया अख्तर को अपने साथ रखने से इनकार किया था। इसके बाद सोनिया अख्तर ने कानूनी लड़ाई लड़ी और मामला नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में चला गया। वहां से स्टेट कमीशन को रेफर कर दिया गया। उसके बाद वहां से ही CAW सेल गया, जहां अब ये मामला चल रहा है। वहीं इस मामले में बांग्लादेशी पीड़िता के वकील AP सिंह का कहना है कि अब सोनिया अख्तर अपने पति सौरभ कांत के साथ ग्रेटर नोएडा के शिवालिक अपार्टमेंट में जाकर रह सकती है। वो अपने ससुराल यानी कि सौरभ कांत तिवारी के अलवर के घर में भी जाकर रह सकती है। तो देखा आपने, अपने पति के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाली पत्नी की जीत हुई है, जहां कोर्ट ने साफ तौर पर उसके पति के साथ रहने के निर्देश दे दिए हैं, जिसके बाद अब सौरभ कांत तिवारी सोनिया को अपने साथ रखने से इनकार नहीं कर सकता। ऐसे में देखना यह है कि साथ रहने से इनकार करने वाला पति आगे क्या करता है, कोर्ट के फैसले को आगे चुनौती देता है या फिर सोनिया के साथ रहता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार।